तो ये और ऐसा क्यों होता है क्योंकि टिश्यू में कैटा चल जाता है तो ये डिफ्यूज कर जाती है कहां पर ब्लड में जहां कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है टिश्यू से कम है ठीक है ब्लड में पहुंच जाएगी और ब्लड में भी कहां पर कहा एंड प्लाज्मा आरबीसी एंड प्लाज्मा ओके यहां पर पहुंच जाएगी और फॉर्म करती है बाय कार्बोनेट एंड एचाइन बाई कार्बोनेट एंड एच आयन फॉर्म करती है ठीक है अब आप क्या देखेंगे बाइकार्बोनेट कहाँ बन रहा है ब्लड में और इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 70 के में देखते है। ठीक है फिर इसके बाद आप क्या देखेंगे वहां <coughs> पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो है तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में और आप फॉर्म होता देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म होता देखते हैं अब ये जो सीओ टू ट्रैप होता है ना इस बाबोनेट एट टिश्यू लेवल ये ट्रांसपोर्ट होता है एलब्यूलाई के पास और रिलीज आउट होता है एज सीओ टू रिलीज कैसे हो रहा है सीओ टू के फॉर्म में पहुंच कैसे रहा रहे बायोने के फॉर्म में अब यहाँ क्या कह रहे हैं रहेसीमेटलीवेंटी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एट टिश्यू लेवल इज ट्रांसपोर्टेड एस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं हो रहा है कार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर ये यह इनकरेक्ट हो जाता है सेवेंटी परसेंट की बात कर रहे हैं वेर इट इज सब्सिक्वेंटली रिलीज इन टू दटमोस्फेयर में ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन तो यहाँ पर आप जब रिदम सेंटर पढ़ते हैं ना तो रिदम सेंटर क्या होता है मेडिला स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है मेडिला में जिसे आप रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कह देते हैं ठीक है अब एक और सेंटर प्रेजेंट होता है पोंस में ब्रेन का जो पोंस है वहां पर उसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं वो मॉडरेट कर सकता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है दूसरा क्या कर सकता है दूसरा ये न्यूरल सिग्नल इससे जो आते हैं ना न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो न्यूरल सिग्नल आते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन ठीक है तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है प्रोलॉन्ग नहीं कर करता स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट दोनों करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट बार टू इज इनकरेक्ट ये भी इनकरेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट टू इज करेक्ट ये भी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर इनकरेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यू क्लास इवन पेज नंबर वन एटी नाइन एंड वन नाइनटी पर गविन है थैंक यू